अब हम विस्तार विशेष में आपको उन मुद्दों से रूबरू कराने जा रहे हैं जो सीधे आपसे जुड़े हुए हैं। विस्तार विशेष में हम सिस्टम से सवाल करेंगे, आपके मुद्दे उठाएंगे और तब तक उठाते रहेंगे जब तक आपके इन मुद्दों का समाधान नहीं हो जाता। सोचिए, आपने शादी के लिए मैरिज गार्डन या रेस्टोरेंट बुक किया, लेकिन जब शादी के लिए पहुंचते हैं तो वहां ताला लगे मिले। आप हैरान रह जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो इस परेशानी से बचने के लिए पहले आप अच्छी तरीके से जांच परख लीजिए कि रेस्टोरेंट या मैरिज गार्डन में गाइडलाइन का पालन हो रहा या नहीं, उनके पास लाइसेंस है या नहीं, क्योंकि भोपाल में प्रशासन ने बगैर लाइसेंस और नियमों को ताक पर रखकर चल रहे करीब 40 मैरिज गार्डन और रेस्टोरेंट्स पर ताला डाल दिया है। हो जाएगी मुश्किल अगर नियम नहीं पाले, क्यों लटक गए कई मैरिज गार्डन पर ताले। राजधानी भोपाल की जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, यहाँ पर व्यावसायिक गतिविधियां भी तेज हैं और इन्हीं व्यावसायिक गतिविधियों में एक है मैरिज गार्डन, बार, रेस्टोरेंट। लेकिन ये तमाम बार रेस्टोरेंट नगर निगम के मानकों पर खरे नहीं उतरते। नगर निगम का ये कहना है कि इन्होंने जो स्टैंडर्ड फॉलो करना चाहिए ये नहीं किए, इसीलिए दो दिन से नगर निगम लगातार इन पर कार्रवाई कर रहा है, इन पर जो है कहीं ना कहीं सीलबंदी कर रहा है, तालाबंदी कर रहा है। भोपाल में नियमों को ताक पर रखकर चल रहे मैरिज गार्डन, शादी हॉल, रेस्टोरेंट और बार के खिलाफ प्रशासन ने मुहिम छेड़ दी है। बिना लाइसेंस चलने वाले इन प्रतिष्ठानों को प्रशासन जहां नोटिस थमा रहा है तो कई के खिलाफ तालाबंदी की कार्रवाई भी कर चुका है। अब तक शहर के 80 से ज्यादा संचालकों को नोटिस दिए गए हैं तो 40 से ज्यादा मैरिज गार्डन और शादी हॉल को सील किया जा चुका है। मतलब सभी, जैसे पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए, फायर सेफ्टी की व्यवस्था होनी चाहिए और जो वहाँ पे सुरक्षा के और भी इंतजाम है वो होने चाहिए, साथ लाइसेंस उसके आधार पे दिया जाता है बिल्डिंग परमिशन के द्वारा, और उस जब जिसके पास लाइसेंस है वो अपना कारोबार कर सकते हैं, अदरवाइज उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा। प्रशासन ने मैरिज गार्डन और रेस्टोरेंट संचालकों को तय मापदंडों को पूरा करने के साथ लाइसेंस लेने के लिए ताकीद किया है। आइए अब जान लेते हैं कि नए गाइडलाइंस आखिर क्या हैं। नए गाइडलाइंस के मुताबिक आतिशबाजी और हलवाई के लिए अलग से जगह तय होना जरूरी है। मुख्य द्वार के अलावा भी इमरजेंसी गेट हो, गार्डन और शादी हॉल तक जाने के लिए चौड़ी सड़क हो, पार्किंग के लिए पर्याप्त इंतजाम होने चाहिए, पार्किंग के लिए कुल जगह का 25% एरिया रिजर्व होना चाहिए, अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था होनी चाहिए और तय संख्या से ज्यादा लोगों की बुकिंग नहीं ली जानी चाहिए। अब जब निगम जागा है तो रेस्टोरेंट और मैरिज गार्डन संचालकों में हड़कंप मच गया है। संचालक अब नगर निगम की गाइडलाइन को पूरा कर दोबारा आवेदन कर रहे हैं और पूरे नियमों का पालन करने की बात कर रहे हैं। जी, हमने जो भी नगर निगम के मापदंडों के हिसाब से जो भी नया लाइसेंस लेना था वो हमने ले लिया है और वो प्राप्त हो गया, उसके बाद हमारे इधर रीओपन हो गया है। उन्हें एक लिस्ट दी थी जिसमें उनके मापदंड को पूरा फॉलो करना चाहिए था। हमारे पास पहले से ही कुछ उनके मापदंड पूरे थे और उनको हमने प्रस्तुत किया, उनको उसके आधार पे उन्हें हमने नया लाइसेंस दे दिया। 50 से ज्यादा भीड़ जुटाने वाले मैरिज गार्डन, रेस्टोरेंट और शादी हॉल संचालकों पर गाइडलाइन लागू होगी। वैसे तो लंबे अरसे से नगर निगम की नाक के नीचे नियमों को ठेंगा दिखाकर ये प्रतिष्ठान चल रहे थे, लेकिन बीते दिनों जबलपुर में शादी के दौरान एक निजी होटल में आग लगने की घटना के बाद प्रशासन सक्रिय हुआ। अब देखना होगा कि नगर निगम की ये कार्रवाई आखिर कब तक चलेगी। प्रशासन हर बार की तरह कार्रवाई की रस्म अदायगी करेगी या लालच के चलते लोगों की जान से खिलवाड़ करने वाले रेस्टोरेंट और मैरिज गार्डन संचालकों पर शिकंजा कसती रहेगी। नगर निगम इन दिनों शहर में कार्रवाई कर रहा है उन व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स पर, शादी हॉल पर, बार पर, रेस्टोरेंट पर, जो मानक फॉलो नहीं करते। नगर निगम का कहना है कि इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करने से कहीं ना कहीं यहाँ आने वाले लोगों को आपात स्थिति में समस्या हो सकती है, आगजनी या इस तरह की स्थिति में दुर्घटनाएँ हो सकती हैं। हालाँकि नगर निगम समय समय पर ही जागता है, लगातार निगरानी नहीं करता, जिसका यह नतीजा है। अब देर से ही सही, लेकिन निगम जागा है तो जरूर स्टैंडर्ड्स को फॉलो करवाएगा। श्याम सिंह तोमर, विस्तार न्यूज़ के लिए। और अब बात छत्तीसगढ़ की, जहां हाथियों ने हरे सोने के संग्रहण पर ग्रहण लगा दिया है।
हालात यह है कि लक्ष्य अभी आधा भी पूरा नहीं हुआ है। सबसे ज़्यादा असर सरगुजा संभाग पर पड़ रहा है क्योंकि यहाँ जंगलों में हाथियों का डेरा है और आदिवासी अब जंगलों में घुसने से ही डर रहे हैं। विस्तार से देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हरे सोने के संग्रहण में हाथी बने बाधा, हाथी डाल रहे आदिवासियों के हक पर डाका। छत्तीसगढ़ में हाथियों ने आदिवासियों की जिंदगी को मुश्किल में डाल दिया है। हाथी जहां जिंदगियों को खत्म कर रहे हैं तो आदिवासियों की आजीविका पर भी ग्रहण लगा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता खरीदी शुरू हो गया है और सरकार ने भी तेंदुपत्ता का जो मूल्य है उसे बढ़ा दिया है। अब प्रति हजार तेंदुपत्ता की गड्डी बेचने पर सरकार 5,500 रुपये दे रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ के जंगलों में हाथी घूम रहे हैं। छत्तीसगढ़ के जंगलों में 300 से अधिक हाथी हैं और सरगुजा संभाग के जंगलों में 100 से अधिक हाथी हैं। इसकी वजह से तेंदुपत्ता संग्राहक जंगलों में ठीक तरीके से जा नहीं पा रहे हैं और इसके वजह से तेंदुपत्ता का जो संग्रहण का कार्य है वो प्रभावित हो रहा है। आइए देखते हैं रिपोर्ट कि आखिर किस तरीके से प्रभावित हो रहा है और लोगों की जो आजीविका है उस पर किस तरीके से इसका प्रभाव पड़ेगा। तेंदुपत्ता ये महज पत्ता नहीं बल्कि आदिवासियों के जीवन को पार लगाने वाली पतवार है। तेंदुपत्ता आदिवासियों की आजीविका का साधन है, उनकी जिंदगी को बेहतर करने का जरिया है। छत्तीसगढ़ में वनोपज संघ के तहत आदिवासी तेंदुपत्ता इकट्ठा करते हैं। अप्रैल के आखिरी हफ्ते में इसकी शुरुआत हो जाती है। इस साल 16 लाख मानक बोरा तेंदुपत्ता संग्रहण का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन हाथी इस लक्ष्य के बीच में दीवार बनकर खड़े हो गए हैं। बात सरगुजा संभाग की करें तो यहाँ सबसे ज्यादा तेंदुपत्ते का संग्रहण होता है, लेकिन हाथियों के डर से आदिवासी जंगल में घुस भी नहीं पा रहे क्योंकि जंगलों में हाथियों के झुंड घूम रहे हैं। छत्तीसगढ़ में घूम रहे हैं 300 से ज्यादा हाथी। अकेले सरगुजा संभाग में घूम रहे 111 हाथी। बलरामपुर में 14 हाथियों का झुंड मौजूद। महुआ बीनने के दौरान हाथियों ने किए हमले। सरगुजा संभाग में ही 5 लोगों को कुचल चुके हैं हाथी और यही डर अब आदिवासियों को तेंदुपत्ता संग्रहण में भी सता रहा है। यहाँ पे कुछ लोग हैं तेंदुपत्ता संग्राहक, उनसे बात करते हैं कि आखिर किस तरीके से तेंदुपत्ता जो तुड़ाई है वो प्रभावित हो रहा है हाथियों की वजह से। अभी हाथी का है यहाँ लगभग 1 महीना से एकदम रेगुलर परेशान कर रहे हैं लोगों को। तेंदुपत्ता थोड़े पहले तो लोग 4:30 बजे भोर में निकल जाते थे, लेकिन अब सुबह लगभग 5:30 बजे निकलते हैं। पहले तो बिना डर का जंगल में जाते थे, है ना, और तुड़ाई करते थे बहुत बढ़िया से, और अब इतना भयभीत हो गए हैं लोग कि मतलब जंगल घुसने में डर लग रहा है। आइए पूछते हैं किस तरीके से आजीविका प्रभावित हो रहा है। खाद माद लेती वही में है, वही कहीं धान बीज लेती, कहीं सब चीज लेती, और यहाँ हाथी के चलते यहाँ जा नहीं पावती। दहशत इतनी है कि आधे से ज्यादा आदिवासी तेंदुपत्ता इकट्ठा करने के लिए जंगल की तरफ जा ही नहीं रहे, जबकि इस बार सरकार ने तेंदुपत्ते का रेट भी बढ़ाया है। रेट बढ़ाए तो आदिवासियों ने बेहतरी के सपने देखे, लेकिन ये सपने हाथियों की दहशत के चलते चकनाचूर हो रहे हैं। अब ये भी समझ लेते हैं कि तेंदुपत्ता यहाँ की अर्थव्यवस्था के लिए कितना जरूरी है। 16 लाख तेंदुपत्ता बोरा खरीदी का लक्ष्य तय किया गया है। खरीदी में 900 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार। बलरामपुर में 1,43,900 मानक बोरा खरीदी का लक्ष्य है। तेंदुपत्ता संग्राहकों के जेब में जाएगा 79.14 करोड़ रुपए। 5,500 रुपए प्रति बोरे तेंदुपत्ता खरीदी का आदेश है। अब तक 11,927 बोरा तेंदुपत्ता की हो चुकी है खरीदी। 2023 में 90,617 बोरा तेंदुपत्ता की हुई थी खरीदी। वन्य जीव विशेषज्ञ भी मानते हैं कि हाथियों की वजह से तेंदुपत्ता संग्रहण पर असर पड़ रहा है, जबकि तेंदुपत्ता ही आदिवासियों की आजीविका का सबसे बड़ा साधन है। इसलिए ग्रामीणों को हाथियों की सूचनाओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। 2 दिन 3 दिन जितने दिन तक भी हाथी वहाँ है उन क्षेत्रों में, ऐसे क्षेत्रों में तेंदुपत्ता संग्रहण करने बिल्कुल ना जाएं, नहीं तो हाथियों से सामना हो सकता है। छत्तीसगढ़ के लिए हाथी आज की समस्या नहीं है, लेकिन हाथियों को लेकर सरकार के उठाए कदम आज तक कारगर साबित नहीं हुए हैं।
यही वजह है कि हाथी जानमाल के नुकसान के साथ अब आदिवासियों की अर्थव्यवस्था पर भी सीधा हमला बोल रहे हैं। हाथियों की वजह से तेंदुपत्ता खरीदी प्रभावित हो रही है और इसके वजह से लोगों के सीधे आजीविका पर असर पड़ रहा है। तेंदुपत्ता बेचकर लोग खेती के समय पर खाद बीज खरीदते हैं तो कई लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए किताब कापी, लेकिन हाथियों की वजह से वो तेंदुपत्ता नहीं बेच पा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश प्रधान के साथ दिलीप जायसवाल, विस्तार न्यूज। हरे सोने के बाद बात करेंगे अब सफ़ेद सोने की। मध्य प्रदेश का निर्माण इलाका पहले कपास यानी कि सफ़ेद सोने की चमक से चमकदार था, लेकिन सरकार की उदासीनता के चलते अब ये चमक फीकी पड़ गई है और धीरे धीरे कपास उद्योग ने अब दम तोड़ दिया है। क्यों खत्म हुआ कपास उद्योग, देखिए खरगोन से हमारी ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के निमाड़ अंचल के खरगोन और बड़वानी वाले इलाके में कपास उद्योग कैसे वीरान पड़ गया, इसकी वजह और जानकारी के लिए आज विस्तार विशेष के कार्यक्रम में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर क्या वजह रही। मध्य प्रदेश के निमाड़ का ये इलाका कभी सफेद सोने की चमक से रोशन होता था। खरगोन और बड़वानी जिला कपास की खेती से खुशहाल था। कपास जिनिंग फैक्ट्रियों से आती आवाजें यहां खुशहाली का राग सुनाती थी, लेकिन समय के साथ सब वीरान हो गया। जिनिंग फैक्ट्रियों पर ताला पड़ गया, कारखानों का शोर सन्नाटे में तब्दील हो गया और पीछे छोड़ गया रोजी रोटी का संकट और पलायन की अंतहीन कथा। खरगोन बड़वानी में बड़ी मात्रा में होती थी कपास की खेती, खरीद बिक्री का बड़ा केंद्र था निमाड़। 1970 से 2003 तक होता था कपास का व्यापार। सेंधवा में थी देश की सबसे ज्यादा कपास जिनिंग फैक्ट्री। सेंधवा में करीब 125 कपास जिनिंग फैक्ट्रियां थी। एशिया की दूसरे नंबर की कपास मंडी के रूप में थी पहचान। किसानों आदिवासियों के रोजगार का बड़ा साधन था। धीरे धीरे महाराष्ट्र शिफ्ट हो गया कपास बाजार। आज निमाड़ का हर कोना दम तोड़ते कपास उद्योग की गवाही दे रहा है। बंद पड़ी फैक्ट्रियों का सन्नाटा चीख रहा है। जब हमने व्यापारियों से बात की तो दम तोड़ते उद्योग की वजह भी निकल कर सामने आ गई। सरकारी नीतियाँ मंडी देशों पर ये प्रवेश कर ज़्यादा लगा, और जैसे गुजरात से और महाराष्ट्र की तुलना में डेढ़ गुना यहाँ तीन गुना ज़्यादा टैक्स है। दूसरी बात, यहाँ वो कपास की उत्पादन भी कम है। पहले महाराष्ट्र से बहुत कपास आता था, महाराष्ट्र में टैक्स के कारण बहुत कारखाने डल गए, टैक्स कम होने से वहाँ बहुत इंडस्ट्रियाँ डल गई, इस कारण भी वहाँ से लोग कपास में रुक जाता। मतलब MP में अन्य स्टेटों के मुकाबले पॉलिसी में सुधार नहीं होने की वजह से ये पूरा क्षेत्र, टेक्सटाइल क्षेत्र और स्पेशली जिनिंग उद्योग जो सेनवा की जान हुआ करता था वो ख़त्म कर दिया है। उसका मुख्य कारण है मंडी टैक्स। आज MP में अन्य सभी स्टेटों के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा मंडी टैक्स है। वजह साफ है कि सरकार की पॉलिसी उद्योग और यहाँ के लोगों पर भारी पड़ी। महाराष्ट्र के मुकाबले MP में टैक्स ज़्यादा है। महाराष्ट्र सरकार ने मंडी टैक्स फ्री किया। महाराष्ट्र में कपास के रेट भी MP से ज्यादा हैं। यही वजह है कि व्यापारियों ने अपना व्यापार महाराष्ट्र की ओर शिफ्ट कर दिया, तो ज्यादा रेट मिलने के चलते किसान भी अपना माल बेचने के लिए महाराष्ट्र का रुख करने लगे। ये सब चीजें कम हो गई। अब सेंधवा में मुश्किल से 4 या 5 जिनिंगें चल रही है, 120 जिने बंद है, और उसका मात्र कारण है मंडी टैक्स सबसे बड़ा। पलायन भी उसी का कारण है। जब जिने चलेगी नहीं तो पलायन ले मजदूरों को करना पड़ रहा है। निमाड़ आदिवासी बाहुल इलाका है। कपास यहाँ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। किसान और व्यापारी इस पर निर्भर थे तो मजदूरों के लिए रोजगार का बड़ा जरिया, लेकिन सरकार की पॉलिसी की वजह से पूरा व्यापार चौपट हो गया। अभी भी वक्त है, अगर सरकार पॉलिसी में बदलाव कर कपास उद्योग की बेहतरी के लिए कदम उठाए तो ये इलाका एक बार फिर सफेद सोने की चमक से चमक उठेगा। देखना ये होगा क्या सरकार मंडी टैक्स कम कर पाएगी, क्या सरकार इस आदिवासियों के पलायन को रोक पाएगी, क्या उद्योग को बढ़ावा सरकार दे पाएगी, क्या उनके लिए रोजगार दे पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। तब तक के लिए देखते रहिए विस्तार न्यूज़। विस्तार न्यूज़ के लिए नजमुद्दीन शेख के साथ जफर अशरफी, बड़वानी। अब बात करेंगे नक्सलियों के सेफ जोन की। छत्तीसगढ़ का बूझमाड़ नाम से ही पता चलता है कि वो इलाका जिसे बूझना संभव नहीं है। विस्तार न्यूज़ की टीम अब बूझमाड़ के उस हिस्से में पहुंची जहां पहुंचना आसान नहीं होता। सुरक्षा बल भी जाने से पहले 4 बार सोचते हैं
क्योंकि ये इलाका बेहद दुर्गम और मुश्किल रास्तों से भरा है। करीब से देखिए और जानिए कि इलाका क्यों है नक्सलियों का सेफ जोन। मेरे पीछे लोकतंत्र का शासकीय भवन है जिसे तिरंगे की शक्ल में रंगा गया है। दूसरी तरफ इस जगह पर कथित लाल तंत्र का धमकी भरा एक पर्चा चस्पा है जिसमें मजदूरों को एक धमकी दी गई है कि पुलिया के काम को बंद करके वापस चले जाइए। यहाँ से हमारा सफ़र शुरू होता है उस जगह के लिए जिस जगह पर दो मासूम बच्चों की मौत हो गई थी किसी विस्फोटक के संपर्क में आने से, और उस जगह को अबूझ मार कहा जाता है। अबूझ मार छत्तीसगढ़ का बेहद खूबसूरत इलाका। विस्तार ने उसकी टीम आगे बढ़ी तो इसकी खूबसूरती देखते ही बन रही थी। चारों तरफ हरियाली और जंगल, लेकिन अजीब सा सन्नाटा भी साई की तरह पीछे चल रहा था, क्योंकि इस इलाके को नक्सलियों का सेफ जोन कहा जाता है। नक्सलियों ने अपनी सल्तनत चलाने के लिए इसी अबूझ माल को अपनी पनाहगार बनाकर रखा। यहाँ की भौगोलिक स्थितियाँ नक्सलियों के लिए बेहद फायदेमंद हैं और इसी बात का फायदा उठाने में उन्होंने कसर भी नहीं छोड़ी। अब हम पहुँचते हैं इंद्रावती नदी के किनारे पर। यही नदी अबूझ माल को अबूझ बनाती है। इसी के दूसरे किनारे पर 5000 वर्ग किलोमीटर जंगल में तकरीबन 250 गाँव बसे हुए हैं। इनमें से एक गांव का नाम है बोडगा, जहां कुछ दिन पहले ही दो बच्चों लक्ष्मण और बोटी की आईईडी के चपेट में आने से मौत हो गई थी। बोडगा गांव पहुंचने से पहले अबूझ माल को समझ लेते हैं कि ये नक्सलियों का सेफ जोन क्यों है। अबूझ माल का पूरा इलाका घने जंगलों से घिरा है। जंगलों के बीच करीब 250 गाँव बसे हैं। यहाँ पहुँचने के लिए इंद्रावती नदी को पार करना पड़ता है। नदी को पार करना आसान नहीं है। दूसरे राज्यों से सटी है अबूझ माल की सीमा। यहाँ के जंगलों से ही बस्तर में दाखिल होते हैं नक्सली। नक्सलियों का केंद्र माना जाता है अबूझ माल। शासन प्रशासन की पहुंच से दूर है अबूझ माल। इंद्रावती नदी को पार कर हम पहुंचे बोडगा गांव, और सबसे पहले हमने बच्चों की मौत से जुड़ी खबर को तलाशने की कोशिश की। तेंदू पत्ता तोड़ने निकली 13 साल की लक्ष्मण ओयाम और 11 साल का बोटी ओयाम उस लड़ाई का शिकार हुआ जिसके लिए वो कहीं से कहीं तक कसूरवार नहीं थे। पुलिस का दावा है कि नक्सलियों के प्रेशर बम के चपेट में आने से बच्चों की मौत हुई है। गांव के लोगों का कहना कुछ और है। हमने धीरे धीरे बोडगा की तस्वीर को समझने की कोशिश की। वही पुराना अंदाज, रहने का वही पुराना तरीका बताता है कि गाँव विकास से कोसों दूर है। नक्सलियों की विकास विरोधी सोच का असर यहाँ पर साफ दिखाई देता है। जब लोगों से बात की तो उनकी बातों में साफ झलकता है। हमारे जो सातदार में भी एक बन रही है, करका में बन रही है, और एक पुंडरी में बन रही है, और एक वेद्रे में बन रही है। इतना पुलिया का क्या जरूरत है? हम तो स्पष्ट रूप से जानते हैं, हम पहले से हमारे दादी पर दादी लोग ये पुलिया का यूज किए नहीं है। जो लकड़ी से जो हम नाव द्वारा फार करते, हम हाट बाजार जो भी है जाना है तो जैसे वो नाव से हम यात्रा करते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करना बेमानी होगा। सड़क को लेकर ग्रामीण भी ज्यादा चिंतित नहीं है, बस इतनी सड़क चाहते हैं कि गांव तक एम्बुलेंस पहुंच सके। सबसे पहले अगर रोड की जरूरत है तो ग्राम सभा किया जाए। उस ग्राम सभा में जो लोगों का जो फैसला होता है, जो जनता का फैसला होता है, तो उसका फैसला करने से जो रोड की हम लोग ग्राम सभा से हम रोड का भी ऐसा ट्रैक्टर जाने का लायक ऐसा मांग कर रहे हैं कि एम्बुलेंस जाने का लायक, बड़ा रोड नहीं चाहिए। अबूझ माल के ज्यादातर गांव की तस्वीर यही है। बगैर सुविधाओं के आदिवासियों की जिंदगी गुजर रही है। विकास की ज्यादा दरकार भी इन्हें नहीं है। एक अलग ही सोच का साया इन भोले भाले आदिवासियों के सिर पर मंडराता रहता है। अधिकारी भी मानते हैं कि अबूझ माल अभी विकास से दूर है, जहां विकास पहुंचाने की कोशिश है। साथ ही वो ग्रामीणों के आरोपों को भी नक्सलियों की साजिश बता रहे हैं। वो ये नहीं चाहते हैं कि वहाँ विकास हो, वहाँ पुल बने, वहाँ रोड बने, वहाँ स्वास्थ्य की सुविधाएं आए, वहाँ लोगों को जो बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं वो अवेलेबल हो पाएँ। मासूम ग्रामीण हैं जो
कई बार उनके माओवादियों के भय से और माओवादियों के आईडी के चपेट में और कई प्रकार के तरह तरह के उनके जो प्रपंच हैं उसमें आकर फंस जाते हैं, तो वो उनको हम रोक पाएंगे और उनको एक बेसिक जो उनका अधिकार है, मूलभूत सुविधाओं का जो अधिकार है, उसको मुहैया करा पाएंगे। ये तासीर है अबूझ मार की, ये भोलापन है यहाँ के आदिवासियों का जो मुस्कुराता है, और इसी भोलेपन का फायदा नक्सली बरसों से उठा रहे हैं। कुदरती खूबसूरती से सराबोर इस जगह में बीते 40 साल से कई लोग मारे जा रहे हैं। एक ऐसी लड़ाई लड़ी जा रही है जिसे कोई जल जंगल जमीन की लड़ाई का नाम देता है तो कोई जनता के हित की लड़ाई बताता है, और शिकार होता है यहाँ का आदिवासी। विकास इस समस्या का एकमात्र समाधान है। अब वक्त आ गया है कि बरसों से अबूझ रहे अबूझ माल को बूझने का, ताकि नक्सली इन भोले भाले आदिवासियों का इस्तेमाल अपने नापाक मंसूबों के लिए ना कर सके। लगभग आधी सदी से लोगों के मारे जाने, लोगों को हो रहे नुकसान के विस्तार का अगर सार निचोड़ लिया जाए तो एक महाप्रश्न खड़ा होता है, जो सर उठा के ये पूछता है, जिन लोगों के हक में एक युद्ध लड़े जाने की बात कही जाती हो, उन्हीं लोगों को सबसे गहरे और सबसे गंभीर जख्म आखिर किस लिए दिए जा रहे हैं। यूकेश चंद्राकर, विस्तार न्यूज, अबूझमाड़। तो हमने आपको आपसे जुड़ी हुई खबरें दिखाई, आपके मुद्दे उठाए। आगे भी हमारी कोशिश रहेगी कि विस्तार विशेष में आपके मुद्दों, आपकी खबरों को प्रमुखता से जगह मिले। अब मुझे दीजिए इजाजत, आपसे फिर होगी मुलाकात आपकी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।